अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, आपको दे दिया जाता है कि रोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास चेंज इन टू पॉजिटिव डिग्री, तो इसमें बनाना होता है। आपको दे दिया कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज रोहन इन द क्लास चेंज इन टू कंपेरेटिव, तो इसको इसमें कर देना। अगर आपको कहा कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज रोहन इन द क्लास चेंज इन टू सुपरलेटिव डिग्री, तो इसको। एवरीबडी बताओ मुझे सबसे पहले, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी नो कि डिग्री होता क्या है भाई। देखो इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव का जब आप यूज करते हैं तो एडजेक्टिव की जो मात्रा होती है, या कह सकते हैं आपकी भाषा में कि इतना इतना और फिर इतना, कुछ आ रहा समझ में? जैसे देखो मैंने कहा बिग, बिगर और बिगेस्ट, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी और इसको नाम दे दो सी, कुछ आ रहा समझ में? तो बिग, बिगर और बिगेस्ट। तो ऐसे ही आप लोग क्या करते हो, इन एडजेक्टिव्स को जब आप जो है अलग अलग फॉर्म में यूज करते हो तो वो डिग्री में आप बनाते हो, और इन डिग्री में इसको आप तीन तरीके से यूज करते हो। कितने तरीके से? तीन तरीके से। पहली जो फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव, दूसरी कंपेरेटिव, डिग्री ऑफ कंपेरिजन जिसको कहते हैं, तीसरी सुपरलेटिव। तो ये तीन सिचुएशन आपकी होती है, आ रही है बात समझ में? आपको डिग्री जब स्टडी करना हो तो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में क्या याद रखनी है कि ये एडजेक्टिव जो है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? एडजेक्टिव को। मतलब डिग्री किसमें काउंट होगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच में? एडजेक्टिव में। किसमें होगा? एडजेक्टिव में। आर्टिकल जो है, आर्टिकल भी इसी की कैटेगरी में आता है ना, ऐसे डिग्री भी इसी की कैटेगरी में आता है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम एडजेक्टिव को पहचाने कैसे, सही है? तो आओ हम यहां पर एक लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक लड़का है। अब ये जो लड़का है वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। ये लड़का जो है कैसा है? वाइज है। ये लड़का कैसा है? ऑनेस्ट है। ये लड़का कैसा है? क्लेवर है, वेरी गुड, और शार्प है, और ठीक है नॉलेजेबल है, और गुड है, और बैड है। तो यहां पर देखो, इंटेलिजेंट, वाइज, ऑनेस्ट, क्लेवर, शार्प, नॉलेजेबल, गुड एंड बैड, ये सारे वर्ड्स आपके क्या हो गए? अरे क्या हो गए? यहां तक समझ में आया सभी को? कहीं कोई डाउट है? पक्का पक्का? ये सारे वर्ड आपके क्या हो गए? एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं। नाउन किसको कहते हैं? हर वो चीज जिसको आप देख सकते हो, एवरीथिंग दैट यू कैन टच, दैट यू कैन फील, दैट यू कैन सी इज नाउन। अब एक लड़का है जिसको आप देख सकते हो, तो इंटेलिजेंट बॉय, तो बॉय क्या हो गया? नाउन। तो नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता जो बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव को आपको तीन कैटेगरीज में रखना है, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में। तो अब आपको क्या करना है, इनको शब्दों के आधार पर रखना है। किसके आधार पर? अगर कोई शब्द बड़ा होगा तो उसको उसको कहा जाएगा मल्टीसिलेबिक। क्या कहा जाएगा? और कोई छोटा होगा तो उसको कहा जाएगा मोनोसिलेबिक। क्या कहा जाएगा? ये दोनों चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना। एक क्या लिखा मैंने? मोनोसिलेबिक। और एक क्या लिखा मैंने? मल्टीसिलेबिक। यहां तक आया सबको समझ में क्या पढ़ा रहा हूं मैं? अब मोनो और मल्टी क्या होता है ये समझो। मैंने कहा गुड, इसमें एक ही सिलेबल है, गुड है ना, देखो गुड। इसका कंपेरेटिव में बन जाएगा बेटर। याद रखना जब भी मोनोसिलेबिक होता है तो लास्ट में ईआर जरूर लगता है। क्या लगता है? ईआर। लेकिन हम गुडर नहीं करेंगे, बेटर करेंगे, है ना। और सुपरलेटिव में ईएसटी लगता है, ये बात विशेष ध्यान नहीं। तो ये हो गया बेस्ट। क्या हो गया? ऐसे ही आपने कहा लॉन्ग, क्या हो जाएगा? इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ ईआर लगाना है। और इसमें क्या लगाओगे? ईएसटी लगाओगे। ये विशेष ध्यान दे आप कि आपको जो है इसमें ईआर और इसमें ईएसटी लगाना होता है। ये शब्द कहलाते हैं आपके मोनोसिलेबिक। इन दो, ये कौन से हैं दोनों? अरे कौन सो है? मोनोसिलेबिक है, समझेगी नहीं। अब हम बात करते हैं मल्टीसिलेबिक की। किसकी? मल्टीसिलेबिक वो जिनमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल,
जिसमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल। आओ देखते हैं, इंटेलिजेंट कितने सिलेबल है? चार। ऑनेस्ट कितने? दो। नहीं नहीं, क्लेवर, क्लेवर दो सिलेबल है। शार्प एक ही सिलेबल है। नॉलेजेबल चार सिलेबल है। गुड एक है, बैड एक है। तो जिनमें भी एक है ना उनमें तो ईआरएसटी लगा दोगे, लेकिन जिनमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल आ रहे हैं उनमें आपको यहां लगाना होगा मोर और यहां लगाना होगा। देखना चाहते हो कैसे? आपने कहा इंटेलिजेंट, क्या कहा? यहां लगाओगे मोर इंटेलिजेंट और यहां लगाओगे। ऐसे ही आपने कहा यूजफुल तो यहां क्या लगाओगे? ऐसे ही आपने कहा ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। कुछ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? इज एवरीथिंग क्लियर? ऐसे ही मैंने कहा महंगा, एक्सपेंसिव, लेकिन चीप नहीं, एक ही सी लेवल है। चीप, चीप का क्या होगा? चीपर, चीपेस्ट, चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता। जैसे आप कहीं पर कुछ खरीदने के लिए गए और शॉपकीपर ने कहा दिस इज द चीपेस्ट प्रोडक्ट इन अवर शॉप, ये हमारी दुकान पर सबसे सस्ता प्रोडक्ट यही है। ठीक है भैया दे दो फिर। ओके चलो अब मुझे बताओ क्या समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, ये आप देख सकते हैं सब पॉजिटिव में है। कंपेरेटिव डिग्री, बेटर, लॉन्गर, मोर इंटेलिजेंट, मोर यूजफुल, मोर ऑनेस्ट, मोर एक्सपेंसिव एंड चीपर, चीपर है ना। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तो बेस्ट, लॉन्गेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट गलत, चीपेस्ट, मोस्ट चीपेस्ट नहीं क्या? चीपेस्ट। अब मुझे बताओ क्या यहां तक सबको समझ में आया? अब हम चेंज करना सीखते हैं कि पॉजिटिव को कंपेरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं, और अगर कोई डिग्री सुपरलेटिव में लिखी है तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। कैन वी स्टार्ट? चलिए। सो पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव दो डिग्री को हम लोग डिटेल देख रहे हैं, पूरा अटेंशन सबका यहां पर होना चाहिए। देखो पॉजिटिव डिग्री कैसे यूज होती है, पहले हम पॉजिटिव डिग्री जितनी भी है ना सारी लिख लेते हैं, है ना। बोलो जरा फटाफट एडजेक्टिव्स, गुड, बैड, ओके, गुड, बैड, एक्सपेंसिव, चीप, लॉन्ग, डीप, टॉल एंड हाई, ये सारे वर्ड आपके क्या हो गए? पॉजिटिव डिग्री। अब भाई इनको है ना दो तरीके से यूज करते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट, रवि इज अ गुड बॉय, रवि इज अ मतलब क्या हो गया? रवि एक अच्छा लड़का है, दैट्स ओके। अब यदि आप कहो दो लोगों को एक जैसा इक्वली अच्छा बताओ, तो फिर आपको क्या करना होगा? इन पॉजिटिव डिग्री के बीच में एज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। कौन सा वाला? वो बीच में क्या लगाओगे? मैंने कहा रवि उतना ही अच्छा है जितना कि, चलो ठीक है सोहन को ले लो, आई बात सोहन में? तो अब इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, रवि इज, ठीक है, रवि इज एज गुड एज सोहन। कुछ आया समझ में? रवि उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। यह पेन उतना ही महंगा है जितना कि तुम्हारा पेन, क्या बोलेंगे बोलो? दिस पेन इज एज एक्सपेंसिव एज योर पेन। ये बिल्डिंग उतनी ही ऊंची है जितना कि मेरा घर, दिस बिल्डिंग इज एज हाई एज माई हाउस या माई होम, आर यू गेटिंग? चलो अब मुझे बताओ क्या आपको पॉजिटिव डिग्री समझ में आई? पक्का पक्का? तो जब आप कहोगे ये बिल्डिंग ऊंची है, दिस बिल्डिंग इज हाई, क्या बोलोगे? सो दिस बिल्डिंग इज एज हाई एज माई होम। तो जब आप कहोगे बिल्डिंग ऊंची है, दिस बिल्डिंग इज हाई,
लेकिन जब कहोगे ये बिल्डिंग उतनी ऊंची जितना कि मेरा घर, तो दिस बिल्डिंग इज एज हाई एज माय, ये कौन सी डिग्री होगी बताओ? पॉजिटिव डिग्री. कौन सी डिग्री? ये समझ में आया क्या? Yes, अच्छे से? Yes, कहीं कोई डाउट? No, आगे बढ़ते हैं. अब ये पॉजिटिव डिग्री हो गई आपकी. अब इसको नेगेटिव करो. आप मान लो आपने कहा कि सर है ना ये बिल्डिंग उतनी ऊंची नहीं है जितना कि मेरा घर है, तो ऐसे सिचुएशन में देखो आप, दिस बिल्डिंग इज नॉट, इसके बाद क्या लिखोगे? नॉट. और ये जो एज है ये चेंज हो जाएगा सो में. किसमें? दिस बिल्डिंग इज नॉट सो हाई एज माई होम. ऐसे आपने कहा रवि उतना अच्छा नहीं है जितना कि सोहन है. रवि इज नॉट सो गुड. आई रिपीट, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे. रवि इज नॉट सो गुड एज सोहन. रवि उतना अच्छा नहीं है जितना कि सोहन है. आ रही है बात सोहन में? मैंने कहा ये क्वेश्चंस उतना टफ नहीं है जितना कि वो क्वेश्चंस है. दिस क्वेश्चन इज नॉट सो डिफिकल्ट एज दैट क्वेश्चन. कुछ आया समझ में? टेंथ उतनी कठिन नहीं है जितनी कि ट्वेल्थ है. टेंथ इज नॉट सो डिफिकल्ट एज ट्वेल्थ. एज ट्वेल्थ. कोई डाउट है? No, पक्का पक्का? Yes, लॉक कर दे. Yes, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी कंपैरेटिव डिग्री. अब ये डिग्री क्या होती है भाई? ये डिग्री में आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं. क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं दो लोगों को. अब जिस देखो दो लोगों को कंपेयर करना है तो यहां पर हमें दो चेहरे भी बनाने पड़ेंगे, तभी तो कंपेरिजन कर पाएंगे. ठीक है, ये है ए भैया, ये है बी भैया, है ना? पूरा अटेंशन देना. अब ए भैया और बी भैया के बीच में कंपैरिजन करेंगे अपन. मैंने कहा ए बी से ज्यादा होशियार है. कैसा होशियार है? और इसमें क्या बनाते हैं? ए उतना ही होशियार है जितना कि बी. ठीक है, इसमें क्या बनाते हैं हम? ए इज एज सेंसिबल एज बी. आ रही बात समझ में? एक काम करो, ए का नाम दे दो मोटू पतलू. चलो ठीक है, इसका नाम दे दो मोटू. इसका नाम क्या दे दो? और इसका नाम दे दो पतलू. ठीक है ना? अच्छा है क्या? हाँ, मतलब मोटू पतलू लग भी रहा है. चलो ठीक है. सो ये मोटू हो गया, ये पतलू हो गया. अब मैंने कहा भाई मोटू उतना ही समझदार है जितना कि पतलू है, तो मोटू इज एज सेंसिबल एज पतलू. प, अरे यार ये बड़ी समस्या है. पतलू. ठीक है, ठीक है ना? ओके, अब आप देखो इधर. अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ना अक्ल यूज करनी है. करेंगे? मोटू जो है उतना सेंसिबल नहीं है जितना कि पतलू है. मोटू जो है जो ज्यादा, मतलब क्या है? मोटू इज नॉट सो सेंसिबल एज पतलू. सो मोटू इज नॉट सो सेंसिबल एज पतलू. ये आ गया समझो सभी को? अच्छे से. अब आपसे कहा गया कि भैया काम करो, दोनों में से मोटू पतलू में ज्यादा समझदार कौन है? तो आप कहोगे सर पतलू मोटू से ज्यादा समझदार है. अभी देखो इधर आपने क्या बोला पॉजिटिव में? कि मोटू उतना समझदार नहीं है जितना कि पतलू है. इसका मतलब ये हो कि पतलू मोटू से ज्यादा समझदार है. तो ये सिचुएशन किसमें जाएगी? कंपैरेटिव में. आप बोलोगे पतलू इज मोर सेंसिबल देन. आया समझ में? अरे आएगी नहीं? So, पतलू इज मोर सेंसिबल देन मोटू. जो पतलू है ना वो मोटू से कैसा है? ज्यादा सेंसिबल. ये चेयर उस चेयर से ज्यादा महंगी है, बताओ क्या बनेगा? मोर एक्सपेंसिव देन दैट चेयर देन. आ रही की बात समझ में? अरे आ रही नहीं? आ रही? पक्का? अब इधर मैं लिखता हूं किशन उतना ही शार्प है जितना कि रोहन. किशन इज एज शार्प एज सोहन.
आई बात सुन में? अब मैंने कहा किशन उतना शार्प नहीं है जितना कि सोहन है, कुछ आ रही बात समझ में? Yes, नहीं आ रही। किशन इज नॉट सो शार्प एज सोहन, किशन उतना शार्प नहीं है जितना कि सोहन। गुड आउट, आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, अब आप ये वाले को नहीं चेंज कर सकते कंपेरेटिव में, क्यों? क्योंकि दोनों को इक्वली बता रहे हो। अरे कंपैरिजन करने के लिए एक को ज्यादा से अच्छा बताना पड़ता है, तभी कंपैरिजन होता है। अच्छा, क्या इसका आप चेंज कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों जो है इक्वली शार्प है, बोथ आर इक्वली शार्प। बट ये वाले सेंटेंस में आप देखो, किशन और सोहन में से ज्यादा शार्प कौन है? सोहन। तो इधर जो है शुरुआत सेंटेंस की किससे होगी? कि सोहन इज, अब शार्प का कंपेरेटिव फॉर्म मोर शार्प नहीं होता, शार्पर होता है, क्योंकि ये मोनोसिलेबिक वर्ड है, इसलिए शार्पर। सोहन इज शार्पर देन मोहन। किशन है क्या? किशन कर दो। सो किशन इज नॉट सो शार्प एज सोहन, यह है समझ में? तो सोहन इज शार्पर देन किशन, क्या है समझ में? पक्का? मतलब अगर आपको क्या दिया हो पॉजिटिव डिग्री में, तो क्या आप उसको कंपेरेटिव में चेंज कर सकते हो? आपको दे दिया जाएगा किशन इज नॉट सो शार्प एज सोहन, और कहेंगे चेंज इनटू कंपेरेटिव। क्या कहेंगे? चेंज इनटू कंपेरेटिव डिग्री। तो आपको आंसर क्या लिखना है? सोहन इज शार्पर देन किशन। कुछ आया समझ में? पक्का? दूसरा देखना, मैंने कहा द क्लाइमेट ऑफ भोपाल इज नॉट सो गुड एज दैट ऑफ शिमला। डायरेक्ट शिमला से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब देखना पूरा अटेंशन सभी का ना, द क्लाइमेट ऑफ भोपाल इज नॉट सो गुड एज दैट ऑफ शिमला। अच्छा, एस शिमला क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि आप शिमला की तुलना भोपाल से नहीं कर रहे हो, आप भोपाल की क्लाइमेट की तुलना किससे कर रहे हो? शिमला से कर रहे हो, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ा? दैट ऑफ। अगर मैं ये कहता आपसे कि भोपाल उतना अच्छा नहीं है जितना कि शिमला है, क्या कहता मैं? भोपाल उतना अच्छा नहीं है जितना कि शिमला है, तो फिर हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं? भोपाल इज नॉट सो गुड एज शिमला। लेकिन हम लोग भोपाल और शिमला की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर क्लाइमेट्स, यू नो, एंड दैट इज व्हाई वी वुड से कि द क्लाइमेट ऑफ भोपाल इज नॉट सो गुड एज दैट ऑफ। कुछ आया समझ में? कभी कभी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट को एरर फाइंडिंग के, वो लिख देते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ भोपाल इज नॉट सो गुड एज शिमला, और कहते हैं फाइंड आउट द एरर। मतलब आप क्या कर रहे हो कि भोपाल की क्लाइमेट की तुलना किससे कर रहे हो? शिमला से, जो कि गलत है। आपको भोपाल की क्लाइमेट की तुलना शिमला की क्लाइमेट से करनी है। मेरा घर रवि के घर से बड़ा है, तो मैं कंपैरिजन मेरे घर की किससे कर रहा हूं? अगर मैं ये बोलूंगा कि मेरा घर रवि से बड़ा है, तो मेरे घर की तुलना मैं किससे कर रहा हूं? रवि से, जो कि संभव है क्या? नहीं है। अरे कंपैरिजन किसके बीच में होता है? इक्वल चीजों के बीच में। अच्छा, मैं मेरे घर की तुलना क्या रवि से कर सकता हूं? क्यों? अरे रवि एक इंसान है, घर एक अलग चीज है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? कि मेरा घर रवि के घर से बड़ा है। आ रही बात समझ में? मतलब रवि का घर उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा है। कुछ आ रही बात समझ में? तो रवि's हाउस इज नॉट सो बिग एज माइन, या माय हाउस या माइन, कुछ आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? तो कंपैरिजन किसके बीच में होता है? इक्वल चीजों के। चलिए अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ भोपाल इज नॉट सो गुड एज शिमला, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें? अरे किसमें चेंज करेंगे? कंपेरेटिव में। बताओ क्या चेंज होगा ये? द क्लाइमेट ऑफ भोपाल इज नॉट सो गुड एज दैट ऑफ शिमला, इसका क्या बनाओगे? आप लिखोगे द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, यहां पर आप देख सकते हैं गुड का क्या हो जाएगा? बेटर, बेटर देन। अब मुझे बताओ बेटर देन भोपाल लिखोगे कि बेटर देन दैट ऑफ भोपाल लिखोगे? बेटर देन दैट ऑफ भोपाल, आया समझ में? अगर आप ये लिख दोगे कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन भोपाल, सो दिस इज रॉन्ग।
द बिहेवियर ऑफ सोहन इज बेटर देन रोहन, गलत है। अरे रवि का व्यवहार सोहन से अच्छा है कि सोहन के व्यवहार से अच्छा है? जब दोनों के बीच में व्यवहार में कंपैरिजन कर रहे हो दोनों जगह व्यवहार आना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? रवि's बिहेवियर इज बेटर देन दैट ऑफ सोहन। किशन की इंग्लिश सोहन की इंग्लिश से ज्यादा अच्छी है। किशन's इंग्लिश इज बेटर देन दैट ऑफ सोहन। हमारा समझ में नहीं आ रहा है? और किशन सोहन से अच्छा है, तो किशन इज बेटर देन सोहन। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन तो कुछ नहीं लगाया हम, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि किशन का परफॉर्मेंस सोहन के परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा है, किशन परफॉर्मेंस इज बेटर देन दैट ऑफ सोहन। देखिए मैंने कहा, ध्यान देंगे सभी, पूरा अटेंशन, रोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बताइए कौन सी डिग्री है? दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। यू गॉट इट एवरीवन? अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं कंपेरेटिव में। किसमें कर रहा हूं? तो कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए हमें रोहन को क्लास के दूसरे अन्य लड़कों से अच्छा दिखाना होगा कि रोहन क्लास, देखो पहला तो हमने क्या लिख दिया, रोहन क्लास में सबसे अच्छा लड़का। दूसरा हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो कंपेरिजन करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे रोहन क्लास में दूसरे अन्य लड़कों से ज्यादा अच्छा है। तो आप बोलोगे रोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। कुछ आया समझ में? नहीं आया तो ये किसमें चेंज कर दिया हमने? अरे किसमें कर दिया? कंपेरेटिव में। अब इन दोनों सेंटेंस को आप बोल कर देख लो, दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है। पहले का मतलब क्या है? रोहन क्लास में सबसे अच्छा है। और दूसरा का मतलब निकला, रोहन क्लास में दूसरे अन्य लड़कों से अच्छा, ज्यादा अच्छा है। तो अब मुझे बताओ क्या दोनों अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं? दोनों घूम फिर कर कहां पर आ रहे हैं? एक ही जगह पर आ रहे हैं, यही डिग्री है और कुछ भी नहीं। अब अगर आपसे कहा गया कि काम करो, रोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, को चेंज करो पॉजिटिव डिग्री। किसमें? तो फिर आपको क्या लिखना होगा पता है? आपको बोलना होगा क्लास में कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि, देखो वही मीनिंग निकल रहा है, उतना अच्छा है जितना। तो आपको बोलना होगा नो अदर बॉय इज एज गुड एज रोहन इन द क्लास। कुछ आ रहा समझ में? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये कौन सी डिग्री हो गई? अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। आपको दे दिया जाता है कि रोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो इसमें बनाना होता है। आपको दे दिया कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज रोहन इन द क्लास, चेंज इनटू कंपैरेटिव, तो इसको इसमें कर देना। अगर आपको कहा कि नो अदर बॉय इज एज गुड एज रोहन इन द क्लास, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, तो इसको। कुछ आ रहा समझ में? अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है? अर्थ पर सोना जो है, गोल्ड जो है, सबसे कीमती धातु है। बताइए कौन सा है ये? सब समझ गए? अब इसको चेंज करना है किसमें? कंपेरेटिव। बताओ क्या बनेगा कंपेरेटिव में? गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल ऑन द अर्थ। कुछ आया क्या समझ में? नहीं आया? आ गया। अच्छा, इसको मैंने कहा चलो काम करो, अब करो पॉजिटिव में, तो नो अदर मेटल इज एज प्रीसियस एज गोल्ड। हाँ, कुछ आया समझ में? वैसे तो और भी अदर मेटल है, लेकिन ये तो एग्जांपल दिया था मैंने। चलो अभी मुझे बताओ आप, क्या आपको समझ में आया? yes, sir. सच्ची मुच्ची? yes, लॉक कर दे? yes, तो ये आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब जो भी सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करते आना चाहिए।